कानपुर में अमन और चैन कायम रहे और जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न कराई जाए, इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने ज़बरदस्त इंतजाम किए हैं। कानपुर पुलिस के ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आनंद जी, आज जुमे की नमाज संपन्न हो शांतिपूर्वक, क्या इंतजाम किया? जो हमारे पुलिस बल के लोग हैं उनको ब्रीफिंग डीब्रीफिंग के बाद आज डिप्लॉय कर दिया जाएगा और थोड़ी देर में वो अपने अपने जगह पर डिप्लॉय हो जाएंगे। इसके अलावा नागरिक पुलिस के तमाम कंपोनेंट जैसे पुलिस सेवा मित्र और सिविल डिफेंस वॉलंटियर, ये सारे लोग भी जो है अलग अलग जगहों पे पॉइंट्स पे रहेंगे, जो हमारे लिए एक बड़ी ताकत के रूप में काम करेंगे। टेक्नोलॉजी का भी हमने प्रयोग किया है, ड्रोन कैमरे हैं, स्टैटिक कैमरे हैं, वीडियोग्राफर्स हैं और इसके अलावा PTZ कैमरे हैं उन तमाम संवेदनशील स्थानों पर जहाँ पर हमें आशंका है या रहती है सामान्यतः। और इसके अलावा राइट कंट्रोल का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके हिसाब से सारी तैयारी कर ली गई है और जनता को विश्वास में लिया गया है। अगर हम पिछले दो दिनों के माहौल को देखें और विशेष तौर से दो दिनों के और ख़ास तौर से अगर सामान्यतः हम देखें पिछले 8-10 दिन का माहौल, तो मुझे लगता है कि शहर के सभी लोग अमन चैन चाहते हैं। लोग आगे बढ़ करके हमारी मदद के लिए आए हैं और लोगों ने जनता के बीच में संदेशे दिए हैं। आज के समाचार पत्र में भी आप देख सकते हैं तमाम लोगों के मैसेजेज हैं और कल वीडियो के माध्यम से भी थे, तो होपफुली सारी चीज़ें ठीक जाएंगी। कुछ विशेष कैमरेज आपने लगाए हैं कि ताकि आप आवाज़ भी सुन सकें और 360 डिग्री व्यूज़ ले सकें अराजक तत्वों पर नकेल कसने के लिए? देखिए, ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर हमने PTZ कैमरे और स्टैटिक कैमरे लगाए हैं जहाँ से हम लाइव वहाँ पे हो रही चीज़ों को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसकी फीड जितने भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके लैपटॉप आईपैड या उनके मल्टीमीडिया सेट्स के ऊपर है, ये नेटवर्क इनेबल्ड है। तो जो भी संभव बन पड़ा हम लोगों ने प्रयास किया है और मिलजुल करके इसको बेहतर तरीके से संपन्न करेंगे। कानपुर पुलिस ने और प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमारी भी आपसे ये अपील है कि शहर में अमन और चैन कायम रहे, इसमें पूरा सहयोग करें। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।